अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कोकब फारूकी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम कुछ बात करेंगे, मसला कश्मीर का इशू जो है वो जूं का तू है। आईजी सेन की जो तब्दीली का मामला है वो क्यों इतनी पेचीदगियां उसके अंदर बढ़ती चली जाती हैं, उस पर भी बात करेंगे, और मईशत की बेहतरी के हवाले से भी बात करेंगे, महंगाई को भी हम थोड़ा सा छेड़ेंगे, उस पर भी बात करेंगे, और वज़रा की तब्दीली के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। गुज़िश्ता बरस अगस्त में भारतीय हुकूमत ने बुनियादी इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन को बलाए ताक रखते हुए मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया था। इसके बारे में सभी आगाह हैं और कुछ बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने ख़िताब में है कहा था कि बड़ी ताकतों समेत दुनिया को उन्होंने जो है वो ख़बरदार किया था और कहा था कि मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम हो सकता है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी को किसी एटमी ताकत की तरफ से आखिर तक जो है लड़ी जाने वाली जंग के नतीजे से भी जो है वो ख़बरदार किया था, वक्तन फ़वक्तन ख़बरदार भी किया जा रहा था। तहम हमेशा की तरह आलमी ताकतों की जानिब से कश्मीर में मजालिम पर रिवायती बयान के अलावा कोई की एकदम जो है देखने में नहीं आया। हम सबके सामने है कोई ऐसा एकदम जो है वो अब तक हमने नहीं देखा जो कश्मीर के लिए किया गया हो, जिससे मसला कश्मीर के हल की कोई राह निकलती हो। इस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम तर जो सूरत हाल है इन पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है लाला रहीम साहब को, जो कि बताएंगे, अपना तज्जिया पेश करेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या वजूहत हैं, क्यों इन मसाइल से जो है हमें छुटकारा नहीं मिल पाता। बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया, सबसे पहले बात कर लेते हैं मसला कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी फिलहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकशों पर जो है वो हमें लगता है कि एक लॉलीपॉप जो है वो हमें दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अमरीका एक सुपर पावर है। आपको क्या लगता है, मतलब कितनी हद तक आपको लगता है कि वो हमारा साथ देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। बात यह कश्मीर में इंतहाई जुल्म हो रहे हैं, लोग अपने घरों में मैसूर है, मुसलमानों को वहाँ की लोगों को उठा रहे, बंद कर रहे, शहीद कर रहे, लेकिन हर तरफ से बेबसी है और खामोशी है। अक्वामे मुत्तहिदा भी खामोश है, अमेरिका भी खामोश है, जितनी ताकत है वो सब खामोश है। ये जुल्म कहीं एक छोटा सा कहीं पर हादसा होता है तो सारी जो मुसलमान दुश्मन मुल्क हैं वो सब का सब एक पिच पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी समझो, हमारी कमज़ोरी समझो, जो वो मुसलमानों के लिए कभी ना मुसलमानों की खैरख्वाह हो सकता है ना खैरख्वाह होगा। ज़ाहिर बात है वो हिंदुस्तान की साथ देगा, वो हिंदुस्तान की बोली बोलेगा, लेकिन यहाँ पर लेकिन देखें, आप छोड़ दें अमेरिका है, आप छोड़ दें कोई और मुल्क है, आप ये देखें ना कि एक इंसानियत सूद मजालिम जो हैं वो ढाए जा रहे हैं और इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है। मतलब एक इंसानियत के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, मतलब बीइंग मतलब इंसानियत रखते हुए हमें इस मसले को हल नहीं करना चाहिए और ताकतों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? मैं उसी प्यार हूँ, हम मुसलमान तो हर जगह में बेबस हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद फिर मुसलमानों को लीडर मिला ही नहीं, जो हकीकत है। अब इस वक्त में कहीं पर एक छोटा सा धमाका होता है तो सब लोगों को इंसानियत भी याद होता है, इंसानी तरजीह पे भी बात करता है, सारी चीज़ों पे आके खड़े हो जाता है। लेकिन मैं तो उनसे गिला भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं मुस्लिम ममालिक से ये गिला ज़रूर करूँगा, जब मुसलमान भाइयों पर जो है इस वक्त जुल्म हो रहा है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, वो क्यों आके खड़े नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ अपनी मुल्क की वज़ीर आज़म की तरफ। देखो, ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें किरदार अदा करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, जो वज़ीर आज़म ने किरदार अदा तो किया है ना, आलमी फोरम पर आवाज़ उठाई है और जगह जगह ममालिक से राबते भी किए गए हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, आपने कश्मीर पर बात किया, जो उस वक्त में वज़ीर आज़म ने जाके फोरम पहुँचा। देखो, आसिफ अली जरदारी, आपके पहले प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया, आसिफ अली जरदारी ने कहा कश्मीर का मसला इससे हल नहीं होता है। जब आप दो मिनट किसी रोड पे खामोश जो है खामोशी का इत्तेजाज करें, इससे नहीं होता है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, 20-20 चक्कर भी आपको काटना पड़ेगा। आपका वजीरी खारिजा तो आज का हद देखे बैठे हुए, आपका वजीरी खारिजा कहाँ पर है? अब मैं बात पे आ रहा हूँ, इमरान खान साहब की ये सूरत हाल है, जब वही गया उसके बाद इस पर दोबारा इसने
कहीं मुस्लिम ममालिक के पास नहीं गया है, फिर इस पर दोबारा इसने कोई वर्किंग नहीं किया, फिर मुस्लिम ममालिक से हट के इसने पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें हैं, जितनी सियासी पार्टी है, कभी उस पर इसने मीटिंग नहीं बुलाया, न किसी से मशवरा लिया है। देखो इस तरीके से नहीं होगा, ये आदमी इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखता है। चले ठीक है, इमरान खान की हुकूमत के बारे में तो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने इस तरह नहीं किया, तो आपको क्या लगता है नून लीग की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उन्होंने क्या किया है, आपको क्या लगता है? देखो, उनको नहीं चाहिए था जो आप बता रहे हैं इमरान खान साहब को ये करना चाहिए। मैं तो नून लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, कभी तारीख में जब भी कश्मीर इंडिया ने ये जुरत किया तो यहाँ से जवाब मिला है, लीडरशिप ने जवाब दिया, और जवाब देने के साथ साथ हमारी पाक फौज ने भी साथ दिया। अब पाक फौज जो है, पाक फौज तो ये कर सकता है, लड़ तो सकता है, पाक फौज तो मिनटों में इंडिया से निमट लेंगे, पाक फौज को इजाजत मिलेगा तो वो कश्मीर का हिफाजत कर सकता है। हम अपनी फौज पे 100% जो है यकीन रखता है। हमारी फौज कमज़ोर नहीं है। इस वक्त में जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है, जो इस मुल्क को लीड कर रहे हैं, वो कमज़ोर है, उसको बात करना चाहिए। लेकिन आप जो बात कर रहे, कभी तारीख में इतनी जुल्म नहीं हुआ, जब भी जुल्म हुआ मिनटों में लोग पहुंचे। ठीक है, वो बोझिल है, हिंदुस्तान जो एक बोझिल मुल्क है, हिंदुस्तान चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब तो इसने सब कुछ कर लिया, ये किसकी कमजोरी है? ये इमरान खान की कमजोरी है। इससे तो ये लग रहे हैं, अंदर अंदर इमरान खान मेरे ख्याल इंडिया के साथ है, उन्हीं के साथ खुश है, और ना इनको एक्शन लेना चाहिए। खुद नहीं कर सकता तो मुशावरत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या लगता है आपको इमरान खान साहब को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसको इमरान खान को सबसे पहले इस पे इजलास बुलाना चाहिए, अपोजिशन की सारी पार्टियों की इजलास। लेकिन यहाँ पर तो आपस में ही इत्तेफाक नहीं है ना पार्टियों में। देखो, आप पार्टियों की बात नहीं करो, पार्टियां सारी एक पीच पे, पार्टियां इस वक्त में इमरान खान बहुत कमजोर पीच पे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टियां जो वो कुछ नहीं कर रहे, ये कह रहे चले इनको गवर्नमेंट चलने दो, लेकिन ये खुद नहीं चला रहे हैं, इनसे नहीं चला पा रहे हैं, तो इसमें तो किसी और की कसूर नहीं है, ना हमारी पार्टी की कसूर है, ना मुस्लिम लीग नून की कसूर है, ना जो है जमीत उलमा इस्लाम की कसूर है। वो तो कहता है चला है, अब बात ही नहीं है, अब तो हम खामोश बैठे हुए हैं। आज तो इनकी जो है वज़रा बोल रहे हैं, आज तो इनकी वज़रा चाहे पंजाब में वो के पी के में, वो कहता है वज़ीर आला जो है वो पंजाब में कह रहे हैं वो नाहल आदमी है, ये नहीं चला पा रहे। अब उसका वज़ीर आला कहता है मैं ट्रेन हो रहा हूँ। अरे बाबा, मुल्क चलाने के लिए आपको ट्रेन होने के लिए लाए, मुल्क चलाने के लिए लाए आपको, सूबे चलाने के लिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो कहता है मैं ट्रेन नहीं हूँ। जब एक आदमी कहता है मैं ट्रेन नहीं हूँ, तो फिर उससे क्या उम्मीद रखता है? के पी के में ये सूरत हाल है, इनकी वज़रा जो है वो वज़ीर आला पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कोई काम नहीं कर रहे, 18 महीने गुजरे हैं, हमने आवाम को जवाब देना है, इनसे कोई काम ही नहीं हो रहे, ये करप्शन पे खामोश है, ये कोई अपोजिशन की जमात नहीं बोल रहा है, ये अलहमदिल्ला इनकी अपोजिशन बोल रही है, इनकी वज़रा बोल रही है, जो कल तक वज़ीर थे आज उनको पारिख करती है। देखो, हमारा हम इसी दिन के लिए इनको मौका दे रहे हैं, आप देखते जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनके लिए इनकी वज़रा जो है वो काफ़ी है। इनकी पंजाब में पारवर्ड ब्लॉक बन गया, इसकी बलूचिस्तान में पारवर्ड ब्लॉक बन गया, इसकी के पी के में पारवर्ड ब्लॉक बन गया, इन्हीं की लोग चीख रहे कह रहे ये करप्शन कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट पहले से ज़्यादा करप्शन हुआ है। आज इस मुल्क में ये हालात हैं, पंजाब में कोई आटा खरीदने के लिए जो है वो गर्मीन रखता है, आज लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, लेलू में कड़े हो के जो है वो आटे के लिए, एक गरीब आदमी जो है 500-1000 रुपये पे मजदूरी करता है। सही रही, जब मैं आटे और चीनी और महंगाई पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस हमारा कश्मीर के ऊपर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी तमाम तर सिफारतकारी के बावजूद 51 में से सिर्फ 3 इस्लामी ममालिक, तुर्की जिसमें है, मलेशिया और ईरान ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो खामोशी साधे हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखो, मैं आपको बताऊं, इन 3 को शाबाश है, जो उसने अपनी मुसलमानी होने सबूत दिया, अपनी गैरत होने सबूत दिया है, लेकिन कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो मुदई सुस्त और गवाह चुस्त, ये आपने तारीख में नहीं देखा, ये मिसाल इमरान खान की है। देखो, जो लोग खड़े हुए हैं तो उनके पास तो जाओ,
ये उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं है. तुर्की से ये भी भागा है, किसकी कहने पे भागा है, सऊदी अरब की कहने पे भागा है. देखो, इनको खुद दिलचस्पी लेना चाहिए. जब तक ये अपोजिशन जमातों को नहीं बुलाया और एक एक टेबल पे नहीं बैठाया और उससे मशवरा लेके, देखो ये तो तजर्बा रखता नहीं है. ये आसिफ अली जरदारी जैसा तजर्बा करने वाले लीडर से जो है ये मशवरा करे, ये नवाज शरीफ से मशवरा करे. तो ये आपको लगता है अब कि अगर मैं अर्ज करूं, बुलाया जाए तो वो आएंगे और मशवरा दिया जाएगा और इसका कोई हल मुमकिन होगा? देखो, फर्क पड़ता है. देखो, जब सामने वालों को ये पता चलता है जो इसकी घर में इंतफाक है और इसकी घर में सारी सियासी पार्टी एक पिच पे हो, तो आपकी लोग सुनेगा. जब आप जाके बाहर ममालिक में आप रोना धोना करेगा कि अरे मैंने गाय बेच दिया, मैंने गाड़ी बेच दिया, मैंने भैंसे बेच दिया, तो वो तुम्हारी ऐसी मजाक उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा? हम तो इसी बात पे रो रहे थे, जो पाकिस्तान को तमाशा नहीं बनाओ, आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे, वो इस दिन से हम डर रहे थे. जो आज जो हालात बनी हुई है, आज जो बाहर ममालिक हमको साथ नहीं दे रहे, वो इन्हीं की वजह से. देखो, कमज़ोर की आदत जो है, आदमी मनसब से बड़ा नहीं होता है, आदमी किरदार और सोच से बड़ा होता है. ये वज़ीर आज़म तो है और बेचारा आके कह रहे, मेरी बीवी कहता है आप वज़ीर आज़म हैं और मैं टीवी में देखता हूँ मैं वज़ीर आज़म हूँ. तो आप इनकी सोच देख लो. सही, खैर वो तो उनकी वो पर्सनल थिंकिंग है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे ऐसे भी दोस्त बरादर ममालिक हैं जो दोस्ती का दम बढ़ते हुए हमें दिखाई भी देते हैं, लेकिन अक्सर ममालिक में हमने देखा था पिछले दिनों, बहुत उसकी बात कर रही हूँ, टाइम पहले की बात है, कि ममालिक कुछ ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी साहब को अवार्ड से नवाज रहे थे. क्या कहेंगे इसे? देखो, जो कि हमारे दोस्ती का दम बढ़ने वाले ऐसे ममालिक की बात कर रही हूँ, इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर तो इसलिए नहीं कह सकता हूँ, जब हमारे दोस्त थे तो इनको दोस्ती तो निभाना चाहिए. उसको तो इम्तिहान में इमरान खान का काम था उसको आवाज़ देना. वो इनके साथ खड़े नहीं होता तो फिर ये बात करता था. अब तो इन चीज़ों पे पहले भी हम इख्तिलाफ रखते थे. देखो, आप किसी से भी दोस्ती रखते हैं तो बराबरी पे दोस्ती रखो, गुलामी पे दोस्ती नहीं होता है. सही. तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अवार्ड से नवाजा सही किया या गलत इकदाम किया? गलत किया. देखो, मुसलमान नाते हुए उसने गलत किया. देखो, वो किसी एक शख्स की, तुम्हारी मुसलमान तुम्हारे बहन बेटियों की जो है खून से उसकी आत रंगे हुए और आप उसको नवाज रहे, तो ये तो मेरे ख्याल सारी मुसलमानों की दिलाजारी है, सिर्फ पाकिस्तान की दिलाजारी नहीं है. तो बहुत उठा था. देखो, मुस्लिम जहाँ पर है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं पर भी हो, देखो वो उसके लिए हम सब पे फर्ज है आवाज़ उठाना चाहिए. देखो, हम जहाँ पर भी है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए, हम सब मुस्लिम ममालिक की जो है बात करता है, हम सब मुसलमानों की बात करता है, उस पर हम कहीं पर जुल्म होने नहीं दे रहे, वो चाहे बोस्निया में हो, चाहे रूस में हो, चाहे अमेरिका में हो, लेकिन उसी तरीके से ये भी मुसलमानी का फर्ज अदा करें. ठीक ठीक रहीम साहब, हम और भी बात करेंगे, हमारे पास और भी इशूज हैं. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. Pandit Vijayaram, a famous astrologer and psychic healer. Palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijayaram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadoo ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein. Aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. पंडित विजयराम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम मसले कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे और अब कुछ बात कर लेते हैं। एक तरफ आटा चीनी के बहरान में घिरे मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कश्मकश हो रही है। हुकूमत जो है वो संभल नहीं रही है। केपीके का कट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहने से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली की उम्मीदों पर जो है वो बुरी तरह से जो है पानी फिर गया है, और दूसरी जानिब केपीके में वज़ीर आला महमूद ख़ान को वज़ारत आला के मनसब पर बरकरार रखकर आर्जी जो है वो रिलीफ दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, आपकी मैं इनकी एक मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदनसीबी है, सेनेट में 65 वाले जो है वो हार गए, 35 वाले जीत गया। अच्छा, सही है, ये सेनेट के इलेक्शन में हुआ है। अब मसला है ये जितनी लोग जहाँ जहाँ जिनकी पर्ची पे आए हुए, जिनकी पर्ची पे आए हुए, उसने अपनी मुहतरम को तो बचाना ही बचाना है। अब जो इनका वज़ीर आला है, उसने 18 महीने में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये पहले करप्शन की केस में है। इसकी पहले करप्शन जो किया है, जो इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया हुआ था, जिससे इनकी वजारत से हाथ धो के बैठा पिछले गवर्नमेंट में, आज उनकी लोग जो कह रहे हैं 18 महीने में एक काम नहीं कर रहे, ये करप्शन कर रहे, तो सारी बात ये सिलसिला तो चल रहे है। अब उसका जितनी जो 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 इनकी वज़रा है वो एक तरफ है और इमरान खान साहब दूसरी तरफ है। अब जहांगीर तरीन का जो है वो यहाँ पैसे लगे हुए हैं। जहांगीर तरीन ने केपीके से आटा जो है वो डॉलर कीमत में जो है वो अफगानिस्तान को बेचा है। अब जहांगीर तरीन तो अपना जो वज़ीर आला है वो तो बचाएंगे, वो नहीं बचाएंगे तो फिर इसका ज़रा माश रुक जाता है, क्योंकि इनकी रोज़गार है, इनकी कंपनी बंद हो जाएगा। वो इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब का कोई केपीके के आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जितनी लोग हैं वो लोग हैं, वो लोटे हैं जो और पार्टियों से लोगों ने निकाल के इसने रखे। अब उसने वहाँ पर पैसे कमाना है, फिर उसी पैसों के ज़रिए में मुख्तलिफ पार्टियों में जाएंगे, फिर उसी पैसों के ज़रिए में उसने दोबारा सीट जीतना है। जब सीट जीतेंगे तो फिर किसी न किसी पार्टी को रखेंगे, इसलिए ये नाकाम है। और दूसरी नंबर पे पंजाब में, फिर आप देखो पंजाब में जो सूरतयाल बनी हुई है इनकी वज़रा की और इनकी शोर शराबा और जो है अदम इतमाद लाने की कोशिश की, उसके बाद वहाँ पर भी जो है जहांगीर तरीन आया। ये इस तरीके से इनकी गवर्नमेंट है और इस तरीके से ये निज़ाम चला रहा है। पंजाब में लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। एक गरीब आदमी जो है वो एक दिन मजदूरी करता है, दूसरा दिन जो है आटे की लेन में लगता है। ये तो हाल है। मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ, गरीब आदमी को तो छोड़, गरीब आदमी तो परेशान है। अब हम वहाँ की मुस्लिम लीग नून की जो है वो उज़्मा साहिबा, उनने तो चलो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है जो है, उसने टेलीफोन पे एमपीए को फ़ोन करके उसको तो आटा मिल गया, लेकिन गरीब को कैसा मिलेगा? उस गरीब को कौन जवाब दे? आज उस पंजाब में जो हमारे गरीब से तो रोटी भी छीन ली गई, छीन लिया। अब देखो कितनी अफसोस की बात है, एक आदमी 10 थैला जो है मोटरसाइकिल 10 थैला जो है 10 किलो केजी जो है वो लेके जा रहे हैं आटे का, उसके लिए उनके साथ गर्मी ने, फिर आप टीवी पे देख रहे हैं कह रहे जो है गन के ज़रिए जो है वो आटा चोरी हुआ है। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का तमाशा नहीं है? ये 22 करोड़ आवाम की तमाशा नहीं है? आज दालों की क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है? आज किसी एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। आज दवाई की क्या कीमत है? चलो आटे के साथ भी गुजारा कर लेंगे, गोश्त के साथ भी गुजारा कर लेंगे, अब दवाई के साथ क्या करना है? दवाई पर तो लोग खामोश है। जो दवाई एक दवाई मिल रहा था 200 का, आज वो 570 रुपये का है। सही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रिलीफ नहीं फराम किया जा रहा लोगों को। इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये टिकटॉक से फारिग होगा तो गवर्नमेंट चलाएगा, ये अपनी झगड़ों से फारिग होगा तो गवर्नमेंट चलाएगा, ये तो अपनी तमाशे में लगा हुआ है। वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है, कितनी अफसोस की बात है। उस सदरी मम्लिकत कहता है मेरे को आटे की कीमत मालूम नहीं है, फिर ये मुल्क चलाएगा? फिर इनसे आवाम उम्मीद लेके बैठे हुए तो सूरत हाल है।
اس نے پورا بیڑ غر کیا اور میں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہوں, ابھی ہلکا سا برف باری ہوا ہے, برف باری میں لوگ پھنسے رہے, ان کی نیچے جو ہے لوگ مر چکے ہیں, اسمبلی میں لوگوں نے شور اٹھایا گیرا ہمارے راستے بند پڑے ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ نہیں, کوئی میڈیا پہ کسی نے آواز نہیں اٹھایا, لوگوں نے اپنی جو ہے 30 دن 40 دن بعد اپنی جو ہے عزیز القربا کی جو ہے لاشیں نکال کے دفنا لیا, نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو ریلیف ملا, نہ کوئی کسی درد دکھ مطلب ہمارے یہاں کہا تو جاتا ہے, وزٹ بھی کیے جاتے ہیں, ریلیف بھی ملے گا اور مطلب یہ چیزیں بھی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں گی, لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ بیچارہ غریب ریلیف کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا یا کوئی پیسوں کی امداد کی نہیں جاتی, ایسا کیوں ہوتا ہے عوام کے ساتھ؟ دیکھو میں اب عوام دین اینڈ دیئر کیوں نہیں دیا جاتا کہ اگر آپ جا رہے تو دین اینڈ دیئر, اگر آپ نے چیک دینا ہے تو دین اینڈ دیئر دو نا, اس کو ضرورت تو اس وقت ہے, بعد میں تھوڑی پھر اس کو ضرورت ہے. دیکھو ہم اپنی دور کی بات کرتے ہیں, ہمارے دور میں تو ہم نے ہاتھ کے ہاتھ دیا, جیسے انکوائری ڈی سی نے مکمل کر دیا تو اس کے بعد ہم نے فوراً دیا. اچھا کہیں پر دیر بھی ہوا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو نہ دیر سے دے رہے نہ سویر سے دے رہے, یہ تو کہیں پر نہیں دے رہے, یہ تو کہیں پر نہیں دے رہے, اس کو تو ان طرف پہ کوئی دیا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اسپیکر عبد القدوس بزنجو جو ہیں ایک بار پھر ان سے وعدے ولید جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی بے چینی کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا, جو سیاسی بے چینی اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھو کب تک آپ جھوٹ کی سارا پہ گورنمنٹ چلائے گا, ہم تو اس لیے ان کو نہیں چڑھ رہے ہیں. اب بات یہ ان سے ایم کیو ایم بھاگ رہے, یہ ایم کیو ایم کو اس وقت میں ایک ہی زبردستی پہ ان کو ساتھ لیا ہے, جو ایک ہی دھمکی دیا ہم آپ کو کراچی, جو کراچی میرے وسیم اختر جو کروڑوں روپے کرپشن کیا ہے, آپ ساتھ نہیں دے رہے تو ہم آپ کو گرفتار کر دیں گے. چلو اس بلیک میلنگ میں وہ ساتھ ہے, کتنی دن ساتھ رہے گا؟ بلوچستان میں ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں, کب تک چلے گا میں نہیں جانتا ہوں. اس کی وفاق کے معاملات ہے, ابھی تو ہن نے کچھ لوگوں کو آسرا دیا ہے, آپ کو کل منسٹری دے رہے ہیں, آپ کو کل یہ فوڈ فالو دے رہے ہیں, کتنی دن چلائے گا میرے کو معلوم نہیں ہے. اور انشاءاللہ ان سے یہ گورنمنٹ چلے گا نہیں, یہ دوبارہ جو ہے یہ ظاہری بات ہے جو کنٹینر پہ اس نے وعدے کیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا تو یہ ہے نا کہ 2020 اسٹارٹ ہو چکا ہے, ہم نے یہی دیکھا ہے 2020 میں جو ہے معیشت میں جو ہے وہ کافی حد تک بہتری آئی ہے, معیشت کا پہیا جو تھا بری طرح جام ہو چکا تھا لیکن اس میں بہتری تو آئی ہے. تاہم انتظامی جو لحاظ کی اگر بات کی جائے تو حکومت کی ناکامی سامنے آتی ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے نظام پر بھی فوکس کرنا چاہیے, ان کو جھنجھوڑنا پڑے گا, ورنہ ملک کی جو گاڑی ہے وہ تھوڑی ہمیں رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھو اس وقت میں جو اس نے رپورٹ بنوایا ہے معیشت کی, ایک جھوٹا رپورٹ ہے, یہ خانہ پوری ہے, یہ رپورٹ کی بھی آپ کو 1 سے 2 مہینے بعد سامنے آ جائے گا. دیکھو ان کے پاس جو چیزیں یہ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ صرف مصنوعی سانس ہے, مصنوعی سانس سے گورنمنٹ نہیں چلتی. ان کے پاس ہر طرف سے بحران آ رہا ہے, اس نے اب دیکھو آٹا اپنی گندم بیچ دیا, ایکسپورٹ کیا, اب دوبارہ گندم لے رہے ہیں. میں نے کبھی بھی ایسے بیوقوف وزیر اعظم, میں نے کبھی ایسے بیوقوف جو ہے ایک نائل گورنمنٹ نہیں دیکھا ہے, کبھی تاریخ میں پاکستان کا نہیں ہے. یہاں آپ نے کم پیسوں پہ بیچ دیا, اب میں جو حکومتیں تھیں عوام تو کہتی ہے نا, عوام نے تو عمران خان صاحب کو ووٹ ہی اس پہ دیا تھا آس پہ کہ شاید ہو سکتا ہے یہ آ کے نظام بدلے, یہ آ کے عوام کے بارے میں سوچے, عوام کو ریلیف فراہم کرے. دیگر جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی مہنگائی کی شرح میں ٹھیک ہے اضافہ نہیں کیا لیکن کمی بھی تو نہیں کی نا. غریب بیچارہ پہلے بھی غریبی کا رونا روتا تھا اور اب بھی رو ہی رہا ہے, مطلب عوام کے لیے عوام کو کیوں نہیں ریلیف دیا جاتا؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس وقت میں پاکستان کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھ گیا, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, اب میں اس پہ آ رہا ہوں, میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں. پچھلے بھی جو ہیں گورنمنٹوں نے ہر چیزوں کو کنٹرول کیا, پیٹرول کی کیا قیمت تھا, آج کیا قیمت ہے, دال کی کیا قیمت تھا آج کیا قیمت ہے, چینی کا کیا قیمت تھا آج کیا قیمت ہے, آٹے کا کیا قیمت تھا آج کیا قیمت ہے. آج صورتحال یہ بنا ہے قیمت بڑھنے اور کم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار بھی ختم ہوا, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر مہینے پرائز بڑھ رہے ہوتے ہیں, روزگار ختم ہوا,
जिनका तनख्वाह जो है, जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपए है, उसकी घर की खर्चा जो है वो 75,000 रुपए है, जिनकी एक गरीब आदमी की जो एक सिक्योरिटी गार्ड या एक चौकीदार की तनख्वाह 15,000 रुपए होता है, क्योंकि आपको भी मालूम है, हमको भी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब 15,000 रुपए में सीधी सी बात है, उसकी दो भी बच्चे हो, सिर्फ दो भी बच्चे हो, तो उन बच्चों की स्कूल की फीस जो है कमजोर से कमजोर स्कूल की फीस जो है वो 1,000 रुपए है, 2,000 उनका ये चले जाता है, तकरीबन जो है स्कूल को आने जाने की इससे चले जाता है। एक मजदूर, एक गरीब आदमी जिसका घर में दो बच्चे और दो मियां बीवी हो, उनकी भी घर का खर्चा जो है 25,000 से 26,000 रुपया बनता है। अब बताए ये जो 10-12,000 रुपया हर गरीब जो है हर महीने मकरूज होता जाएगा, इसका कौन जवाब दे? खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? और जिनका तनख्वाह 25,000 रुपया है, वो शख्स जो है महीने का कम से कम 20,000 रुपया मकरूज होता जा रहा है। आज आपकी इंडस्ट्रियल की सूरत हाल ख़राब हुआ है। देखो, पहले जो माल आ रहा था बाहर से, जो भी चीज़ें आ रहा था, कपड़े वगैरह, उस पर केजी पे 140 रुपया जो है टैक्स होता था, आज वो 500 रुपये में हो गया। अब देखो, इनकी नाहली की कोई अहंतिया ही नहीं है। आज जितनी पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उसने इतनी महंगा कर दिया, वो अफगान ट्रांसलेट के नाम से माल मंगवा रहे, वो फिर मुख्तलिफ दोबारा समगनिंग से वापसी मार्केट 2 में ला रहे हैं। आज इनकी ये सूरतयाल बने में, पिछले दिनों में आपने देखा तारिक रोड पे जो है रात में ये चापे मार के चोरों की तरह, भाई आप यहाँ पे चोरों की तरह चापे मार रहे हैं तो आपका काम है पोर्ट पे इन चीज़ों को क्लियर करना, चेक करना है। आज करप्शन पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया, कम नहीं हुआ, कहीं पर कम नहीं हुआ। जो कंटेनर पे खड़े हो के बात किया, मैं तो कुछ भी नहीं, इनका जवाब इन्हीं की अपना स्पीच है। कंटेनर पे खड़े हुआ, बोलो जिस दिन आवाम ने एहतजाज शुरू किया, बोलो समझो ये वज़ीर आज़म चोर है। आज आवाम एहतजाज कर रहे, ये चोर है। जिनने कहा जो बिजली महंगी हो गई उसमें वज़ीर आज़म का हिस्सा है, आज मैं कहता हूँ इनका हिस्सा है। इसने कहा पेट्रोल महंगा नहीं होगा, आज पेट्रोल महंगा है। इससे कहा इतनी बिल हुआ तो इसको बिल को इसने जला दिया, आज हर चीज़ डबल ट्रिपल पे हुआ, तो इनसे पूछो। सही, आज ये जवाब दे, आज इनकी लोगों के पास एक ही जवाब दे है मेरी बात सुन, आज ये देखो ये कहता क्या है, टीवी ना देखो, अखबार ना पढ़ो तो निज़ाम ठीक है, ये कोई बात है? सही, लेकिन निज़ाम में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। अब इससे कोई मसले का मेरी बात सुनो, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम की जो है ना पेट भरेगा, ना उसकी भूख खत्म होगा, ना इन मामलात में अब किसी का जो है आंख बंद कर सकता है। अब अखबार ना देखो, टीवी को नहीं देखो, निजाम ठीक चल रहा है। अब कुछ बात करेंगे आईजी सिंह के मामले पे भी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। Pandit Vijayaram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijayaram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadoo ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein, aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. पंडित विजयराम से राब्ता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर लेते हैं आईजी का मामला, आईजी सिंह का मामला जो है
वो हमें काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रहा है। जिस दिन की तब्दीली का मामला बड़ा इशू बन चुका है, आपके सामने क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्यों हमेशा आई जिस दिन के मामले जो हैं इतने बड़े इशूज़ क्रिएट कर लेते हैं, इतने बड़े इशूज़ की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, क्या वजह है? देखो, के पी के में 5 IG चेंज हुआ, पंजाब में 5 IG चेंज हुआ, यही जो IG सिंध में बैठा हुआ है ये पंजाब से ये निकाल चुका था, बोला ये निकम्मा आदमी है, हम नहीं कह रहे इन्हीं की वज़ीर आला ने निकाल दिया, बोलो ये गलत आदमी है, करप्ट आदमी है। आज इसने यहाँ पर बिठाया, देखो इमरान खान PTI इस वक्त में नेब को तो अपनी ज़ेली तंजीम बना लिया, जब चाहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस करा लो, जब चाहे उसने नारकोटिक से भी इसी तरीके से काम करा दिया, राणा सोनाला को गिरफ्तार करा दिया, उसकी गाड़ी में 400 हीरोइन बरामद करा दिया। अब सूरत हाल ये है, ये जो ये साजिश कर रहे हैं इनसे अपनी कहीं पर तो गवर्नमेंट इनसे नहीं चल रही, इसकी तजर्बा नहीं। अब वो चाहते हैं मैं पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से डैमेज करूँ। जब यहाँ पर इनकी लोगों को गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे, अब बमाए फ्रूब में बात करता हूँ, आलिम आदिल शेख जो है कोर्ट से मफरूर है, आलिम आदिल शेख की जो है कब्जों के चक्कर में एंटी करप्शन ने और एक क्वारी बैठ किया उसके खिलाफ जो है FIR की बोल दिया, IGC नहीं कर रहे, इनकी जितनी है मैनेज MPS है वो सारी कब्जों में इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं कराची के अंदर सईद गनी जो है हमारे वज़ीरे इत्तलात है, पहले वज़ीरे बल्दियात था कराची डिवीज़न की, उसकी इतनी साफ शफाफ आदमी है, उनके खिलाफ जुटे केसेस इंक्वायरी बिठा दिया, गलत इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि ये इमरान खान इन लोगों के खिलाफ साजिशें करा रहे इन्हीं IG के जरिए। तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो करप्शन के केसेस हैं या नैब ने जो भी इश्यूज उठाए हैं जो भी हैं, तो आपको क्या लगता है सब फेक है? फेक है। अच्छा, मैं फेक नहीं हो तो फिर ये साबित करे, इनने तो गिरफ्तार भी कर दिया, लाया आवाम के सामने लाए, हमने कब इंकार कर दिया? इनने गिरफ्तार कर दिया, आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, आदि फरियाल को गिरफ्तार किया, तो फिर जमानतें भी हुआ है, तो लाए ये साबित करे, ये सबूत तो लाए, शर्जील को गिरफ्तार किया, लिया है सबूत लिया है, इसने खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया, सबूत क्यों नहीं ला रहा है? अब खाम खा किसी को गिरफ्तार करना, रखना, अपना वक्त निकालना, ये एक अलग बात है। अब जब उस दिन ये यहाँ आया कराची सिंध में आया, कराची में आए, इमरान खान ने काम चेंज कर लेंगे, फिर चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्या ये हमारी अक नहीं बनता है? आई नहीं अक हमारा बनता है, क्योंकि ये सूबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाया, ये सिंध गवर्नमेंट चलाएगा। देख रहे हैं रहीम साहब, यहाँ पे वजारतों में तब्दीलियों पे तब्दीलियाँ ही हुई जा रही है, क्या मतलब हुकूमत तब्दीली करते करते ही निकल जाएगी, क्या लगता है? ये कुछ भी करें, इनके पास टीम ही नहीं है, ये निकमों के ठोला है, लोटे हैं, ये वो लोटे हैं जो पार्टियों ने इसको रद्द कर दिया, नाकारा लोग, जो नकारा पुरजा नहीं है, जो बेकार हो जाता है, लोग कचरे में फेंक देता है, ये वो कचरे की लोटे हैं जो इनके पास है, ये तो उनकी जो है इसके पास एक हाँ, मुराद सईद कोई मिनिस्टर है, ये उसकी लब लहजा देखो, ये इनके पास गाली गलोच के लिए एक बेहतरीन टीम है, गाली गलोच के लिए, लोगों की पगड़ी उछालने के लिए इमरान खान के पास बेहतरीन टीम है, जैसा ये है इसी तरीके से इनकी टीम है, लेकिन 22 करोड़ के लिए नहीं है, टिकटॉक के लिए और गाली गलोच के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब कब इन मसाइल से जो है हम छुटकारा हासिल कर लेंगे? अभी देखते जाओ, छुटकारा ये खुद जाएगा, किसी अपोजिशन की इनके लिए जरूरत नहीं है, इनकी गवर्नमेंट खुद जाएगा और इंशाल्लाह ये खुद भागेगा। अभी कहाँ देख रहे हैं आप PTI की? आज अब देखो, 18 महीने में शेख रशीद को बुला लिया, हमने तो नहीं बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, उसको बोला आपने क्या किया, आपने तबाह कर दिया रेलवे को, ये तो आगाज हुआ है, देखते जाओ एक हफ्ते के अंदर कितनी मिनिस्टर इनकी आएगा। सही। अच्छा, हम ये देखते हैं कि असल मसला जो है कि किसी मसले को हल करना है, ठीक है, मसाइल को हल करना है, वो भी अगर आप करना चाहें, अगर हम खुद ही अपने मसाइल को हल करना नहीं चाहेंगे तो मसाइल तो मेरे ख्याल में हल होने का नाम ही नहीं लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पुलिस को सियासी होना चाहिए, ना कि सियासतदान को गैर सियासी, क्योंकि सियासत खिदमत का नाम है और अपनी नहीं आवाम की, इसी में असल जमहूरियत है। देखो, आप
کراچی میں رہتی ہے, آپ کو کراچی کی ساری صورتحال معلوم ہے. پولیس قطعاً سیاسی نہیں ہونا چاہیے, پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے. پولیس کا کام ہے لوگوں کے لیے, غریب کراچی کی اور سندھ کی عوام کے لیے اور لوگ عوام کے لیے کام کرنا, ان کی سننا, ان کی مسائل حل کرنا. اس کے لیے نہیں ہے وہ چکر کاٹے, اس کی گھر میں ڈکیتی ہو جاتے ہیں تو آپ چکر کٹواتے جاؤ کہ رے آپ بتا دو کس کو پکڑو. اس کے لیے پولیس نہیں ہے. پولیس کا کام ہے لوگوں کی جان مال سب کی حفاظت کرنا, یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کا کوئی یہ کام نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کے کسی آدمی کو پروٹوکول دے. کسی پارٹی کا یہ, کسی پولیس کا یہ کام نہیں ہے کسی جو ہے غلط کسی کا پگڑی اچھالے, یہ کسی پولیس کا کام نہیں. پولیس کا کام ہے جان مال کی حفاظت کرنا, سیکورٹی کرنا, اور کوئی کام نہیں ہے. دیکھو کوئی عدالت آرڈر کرے ان کے خلاف, قانونی جو قانونی حق بنتا ہے وہ کرے, لیکن پولیس تو وہ کر نہیں رہے. وہ تو کرنے کے لیے ہوتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی جی صاحب کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے کو کون بدلتا ہے, میں جاؤں گا تو اس سے بڑا سیٹ پہ آؤں گا. یہ کس طریقے سے جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اب دوسری نمبر پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ وہ تصویر دیکھ لو, ٹی وی پہ بھی موجود ہے. عمران وزیر اعظم صاحب کا اجلاس چل رہے, جو کیبنٹ کا اجلاس چلتا ہے, اور کیبنٹ کے اجلاس سے وہاں سے اس کی ایک مشیر نکلتا ہے اور اس کو فون کرتا ہے, یہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور وہاں جا کے جس طریقے سے ملتا ہے, آپ کو یہ نہیں لگتا ہے یہ آئی جی سندھ کا جو ہے آئی جی سندھ ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کسی پولیٹیکل ورکر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے آسی مذاق میں بات کر رہے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ آئے؟ خیر مسئلے جو ہیں وہ تو جوں کہ توں ہی رہیں گے, اور ان کا سدے باب جو ہے اور ان کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. فی الحال ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. رحیم صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا ان کے اسی اچھے تجزیے کے ساتھ. فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.